गाइस आर यू रेडी? आई एम रेडी। सो आज हम बनाने जा रहे हैं हमस। मुझे हमस बहुत पसंद है, तो ये हमस का सामान इधर सब निकल गया है। और ये देखो आज कितने मसाले हमारे पास हैं। वी आर वेरी लकी वी गट। ये लाइट को क्या हो गया है, भूत टाइप क्यों हो गई थी, हो गई ठीक। सो ये हमारे पास आज बहुत सारे मसाले आ गए हैं। ये इसका मैंने बहुत नाम सुना था, ये मैं नाम इनके मैं आपको हौली हौली बताऊंगा, मैं भी याद कर रहा हूं। और इधर देखो महाराज क्या मसाले मसाले कर रखे हैं हमने आज। ये देखो आज बहुत तगड़ी आइटम बनने जा रही है। एक साइड तो बनेगी हमस, एक साइड बनेगा अमृतसरी छोले। सो छोले 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 ना नानक्या दी रड़े पमीरी बोले। सो आज छोले हैं हमारे पास और हम छोलों की जितनी आइटम बना सकते हैं वो बनाएंगे। सामान थोड़ा थोड़ा मैंने इधर कर दिया है, कितने मीठा सोडा इधर रहा ना भाई हमस दे। सो मीठा सोडा इधर रखा है। तो आप पहला बनावा हमस, उस तो बाद यार भूत वाली लाइट क्यों हो रही है, हाँ उस तो बाद बनावा अमृतसरी छोले। ओ कैट भाई छोलास क्या लग रहे हैं महाराज। ये देखो ये होंगे यूज अपने अमृतसरी छोलों में, ये हमस आप ग्राइंडर में। ओ माय गॉड पहले छोले तो थल्ले गिर गए हैं, मैं वीडियो बाद में बनाता हूं, पहले इसको इसमें सीट देता हूं। ये वही छोला है जो नीचे गिर गया था, अब इसको या तो धो के यूज कर लें या फिर ना ही करें। तौलिया है तौलिया है, छोलों को हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये छोला तौलिया हमने, ये लो चलो। बनाने के लिए पहले तो आप अपने छोलों को इधर ट्रांसफर कर लें, उसके बाद हमने नींबू का रस निकाल के रखा है, हम इसमें नींबू का रस सीट देते हैं। ये देखो अब हम इसमें डालेंगे नमक और आई थिंक सो अगर मैं नहीं भूल रहा जीरा पाउडर। नमक और जीरा डालने के बाद मैंने इसमें लहसुन की कलियां डाल दी हैं और ऊपर से डाल दिया है दही। हाँ जी आपने बिल्कुल सही समझा, योगर्ट इसमें हमने डाल दिया है। लो जी इसको पूठा करके ये हमस बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है। आप देखो कितना प्यारा हमस बनता जा रहा है। माय गॉड ये तो पहले चटके में ही बन गया लगता है। ओके ओके हम इसको ये इसे चेक कर ले, ये चलो कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे वाह स्मेल बिल्कुल, थोड़ा सा और रगड़ते हैं इसको, फिर इसको आपको मैं दिखाता हूं हमस कैसे बनी है। दूजा गेड़ा चला, एक गेड़ा कितने पिछोर तेरी पॉइंट बंद नहीं हो रहा है, हो गया है। इसको ऐसे घुमाए, थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी घुमा दे, ऊपर थले लगा हुआ है तो तुरपी है। वेरी गुड, ये देखो कैसा खू टाइप बन गया है। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूं थोड़ा H2O, गरम H2O, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाए। और ऊपर से थोड़ा सा लिल सा ओलिव ऑयल, हमारा साथ चढ़ गया है बड़े धक्के से, ढक्कन खुला है, ढक्कन बहुत टाइट कर लिया था मैंने, तो ढक्कन को थोड़ा टाइट कट करें। पर लुक एट दिस टेक्सचर गाइस, दिस इज स्मेल भी बड़ी कमाल आ रही है, ऐसे लग रहा है कि मैं किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में पहुंच गया हूं। क्या हमस बनाई है मैंने आज। हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है, अब बारी आती है डिजाइन बनाने की। एक ऐसे करके डिजाइन बना होता है, ये हमारा डिजाइन बन क्यों नहीं रहा है, कहीं हमने ज्यादा तो पातली, अरे ये तो डिजाइन फिर खत्म हो गया है हमारा, मुझे लगता है हमने ज्यादा पातली कर ली है, ये डिजाइन बन नहीं रहा है। ओहो डिजाइन नहीं बन रहा महाराज, है ये क्या हो गया है, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। हाँ चल तू बैच आया यार, इतने एकदम बना ले डिजाइन, जरूरी नहीं है अभी सेम डिजाइन बनाना, आप होर तरीके का भी डिजाइन बना सकते हैं। तो ये होर तरीके का डिजाइन बन गया है, थोड़ी सी पातली है पर स्मेल और बाकी सब तो सेम ही लग रहा है। नहीं बहुत अच्छी बनी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे हम शा गए हैं। और ये आपके सामने है मेडिटेरियन हमस। सीटा ये निकला है कि जो आपने H2O डाला था वो आप ना डालें, उससे थोड़ी पतली हो जाएगी लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी, हो सकता है आपका डिजाइन ना बने, है ना। सो मैंने उसको अब रेफ्रिजरेटर में रख दिया है, ऊपर जमा के खाऊंगा मैं। तो ये कार्यक्रम डन होता है, तुसी पुत इधर आ जाओ, थोड़ी बहुत जरूरत है सानू इधर भी। यार भूत टाइप लाइट पता नहीं क्यों हो जाती है। अब हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी छोले। हे गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी छोले, इनकी थोड़ी रेसिपी अलग रहेगी, आप थोड़ा ध्यान रखें। मेरा कोई YouTube चैनल नहीं है इसका, तो आप स्टोरियों को 24 आवर ही देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप छोलों को इसमें सीट दें। ओ माय गॉड एक दो छोले बाहर गिर गए हैं, फिर से हम फिर से दो छोलों को धो लेंगे और फिर बीच में सीट देंगे। अब हम छोलों में डालने जा रहे हैं H2O, हमने पूरा एक H2O भर दिया है, मुझे लगता है थोड़ा सा और H2O डालेंगे। आपने इतना H2O डालना है कि आपके छोले जो है वो इसमें गोते खाने लग जाएं,
सो वैसे तो गोते खा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा और डाल देते हैं। गोताखोर छोलों में थोड़ा और पानी हम ऐड कर देंगे, बहुत है मुझे लगता है, ज्यादा ही ना हो जाएगी। ओके अब आप इसमें सीट दें, ये देखो मैंने कितना अच्छे ढंग से, मैं डे बाय डे प्रोफेशनल हो रहा हूं। अब आप इसमें दो जो क्या होते हैं टी बैग्स जो होते हैं, जो आप टी तवीत है वो भी आप इसमें सीट दें, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप इतना सा डाल दें, अगर आपको लगता है कि थोड़ा और डालना है तो हमें कौन रोक सकता है, ये और डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इस पत्ते का नाम मैं थोड़ा भूल गया हूँ, ये खड़ा पत्ता है, पता नहीं खड़ी पत्ती है, जो भी है इसको भी सीट दें, ये बड़ी स्पेशल डिमांड पे आज हमने मंगवाया है। उसके बाद ये भी बड़ी गलबात है, कहते हैं इसको इसको भी पता नहीं क्या बोलते हैं, सिनेमन बोलते हैं शायद, अगर गलत बोल गया हूं सॉरी। तो ये भी सीट दें, दो चार पांच लौंग और तीन इलायची, तू लौंग ते मैं लाची तेरे पीछे आची आची जो बहुत अच्छा गाना बॉलीवुड ने खराब किया था, तो ये उसके बोल मैंने बोले। और उसके बाद ये तो भूल ही गए हम मीठा सोडा, सो गाइस मीठा सोडा भी डालना है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ उतना ही डालना है कि आपको टटियां ना लग जाए। सो इससे हमारा जो छोले हैं वो जल्दी फिस जाएंगे। जी हाँ, मैं दूसरी शेल्फ पे बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुकर का आइडिया मुझे कट है, मैंने इसमें आग मचा रखी है और मैं साथ साथ मूंगफली खा रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कब इसकी सीटी बाजेगी, क्योंकि ये मैंने अजीब कुकर ले लिया है, इसकी सीटी जैसे मम्मी के पास था मेरे के वैसे नहीं है, मम्मी के जो पास था वो ऐसे ऊपर सीटी होती थी और फस करके बजती थी, ये कुछ अजीब कुकर मैंने ले रखा है, इसकी सीटी का चाकर है, तो मैं इसको छोड़ के नहीं जा रहा, वही बैठा हूँ इसकी निगरानी पे। आज मैं कुछ नए तरह का मसाला ऐड कर रहा हूँ, मतलब मसालों को पहले मिक्स करेंगे, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है, अब मैं इसमें डालने जा रहा हूं एसोफटीडा। बताइए जरा इनमें से कौन कौन सा है एसोफटीडा। जी हाँ, ये हमारी हींग का नाम इंग्लिश में एसोफटीडा है, ऐसा ही है कुछ, तो मुझे तो आज पता चला इसको एसोफटीडा कहते हैं, तो ये एसोफटीडा और ये जीरा, जीरा इन दोनों का जो वो ये हनीमून पे गए हुए थे ना, तो बाहर आए हुए हैं घूमने के लिए आए हुए हैं, ये दोनों आजकल स्विट्जरलैंड में हैं, तो इसका नाम अब एसोफटीडा हो गया है। ओ माय गॉड, इधर इधर कुछ हो गया है, इसको बंद कर देते हैं। ओ शिट मैन, सी अगर मैं यहां नहीं होता तो काम हो जाता ना। OMG ब्रो, ओहो ऐसा तो ज्यादा हो रहा है, ये इधर को हो गया है, ये तो सर मुंह ही इधर उधर हो रहा है। ओ शिट, बंद हो जा रही। ओ माय गॉड, ये तो और ज्यादा हो गया। आई टोल्ड यू गाइस मुझे प्रेशर, OMG गंद कितना बह गया है। आई एम सो सॉरी, मुझे कुकर का आइडिया नहीं है, इसने मेरी सारी कढ़ाई भी खराब कर दी है, फिटे मुंह कुकर के, उधर भी देखो कितना गंद पड़ गया है, अब साफ किसने करना है, मैं नहीं करना है। मूड नहीं खराब करते हैं, हमने एस और फटीरा इसमें डाल दिया है, अब हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं। हाँ जी, क्या देख रहे हैं, चकाचक रसोई कर दिया साहब सब, और इधर देखो रिजल्ट कैसा निकल के आया, ये देखना, ए ओए धुआं आ गया है आगे, कैमरा साफ हो जा, ये रिजल्ट देखो, रिजल्ट अरे रिजल्ट लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, क्या स्मेल आ रही है मसालों की, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, ये पत्ते ने भी कमाल किया है, बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आया है, बेशक हमारे कुकर ने हमें थोड़ा तंग किया है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो गाइस आप तंगी से मत घबराएं, रिजल्ट की वेट करें। छोलों में स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, जी करता है कांचे ही खा जाऊं, वैसे कि ये कांचे नहीं है, बन चुके हैं, लेकिन इसको बनाएंगे, पिछली बार हमने हाथ लू लिया था इसलिए हम एहतियात बरतेंगे, हमने पहले से चमचा ले लिया है और इसमें हम फ्लोर रहे हैं कि वो कहां गया हमारा। जी हाँ, हमारा वर्जिन ऑयल जो है वो बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसमें थोड़ा सा सैड से होके अपना शरीर थोड़ा पीछे रखें और आप इसमें जो अपनी टमाटर प्यूरी है वो डाल दें। देखो आज हमने जीरा नहीं डाला, आज हमने एस ओ फटीडा नहीं डाली जाद में, आज हमने जीदे का जीदा तेल में, ओ शिट ये नहीं डालना था, प्याज डालना था पहले। ओ माय गॉड, पर एनी हाउ इट्स नॉट अ बिग डील।
सब्जी किसकी है? मेरी। रूल किसका हुआ? मेरा। भाई सब्जी माय रूल के चक्कर में आप अपनी सब्जी ना खराब कर लें। आप प्याज भी जल्दी सीट दें। पहले आपको प्याज डालना चाहिए था, उसके बाद आपको इसमें डालना है टमाटर, पर इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई ज्यादा फर्क नहीं है इस चीज में, ये सिर्फ अपने दिमाग में ही है, चीज होती है बस। ओके, एक और काम आसान हो गया पता, जिंजर और गार्लिक ऐसे बने बनाए मिल जाते हैं, ये मुझे आज पता चला है। तो मैंने ये भी मंगा लिए हैं बाजार से, आज हमारा सामान आ गया है बाजार से, दो दिन बाद सामान आता है, तो आज हमें फिर से सामान मिला है। तो ये मुझे आज पता चला है कि इन दोनों की पेस्ट भी मिल जाती है। मैं इतने देर से ऐवें ही महाराज इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये अब इसमें जाएंगी, गार्लिक और जिंजर पेस्ट। तुम इतना जो पड़पड़ा रहे हो, पड़पड़ाने का मतलब होता है कि आपका जो मसाला है वो रेडी हो गया है, मसाला इन द सेंस जो प्याज और टमाटर हैं वो आपके रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हमारे सारे जो हमने मसाले बनाए थे विद एस ओ फटीडा शियाल विच। आज मैं पहली बार ये नया तजर्बा किया है, कला कला करके नहीं डाला है, काठा करके डाल दिया है सारा मसाला। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, नमक मैंने थोड़ा कम ही रखा है, छोले इसको इनमें डाल के फिर उसके बाद भी नमक हम डाल सकते हैं। सो नमक की इतनी टेंशन नहीं है, वो एंड में भी डालेंगे तो चलेगा। सो आप बिल्कुल मत घबराइए कि आपकी सब्जी में नमक है नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील गाइस। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, मैं एक और तजर्बा करने जा रहा हूँ। मैंने आलू को फेल लिया है पूरा और एक आलू भी इसमें ऐड कर दिया है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ दसांजा वाला बताएगा नवी नवी रेसिपी। ओके गाइस, दिस इज नॉट अ नॉर्मल रेसिपी, दिस इज नॉट अ नॉर्मल के छोले कैसे बनते हैं। इट्स माई सब्जी माई रूल की बात तो मैं करता हूँ, लेकिन गाइस ये इतनी अच्छी और स्वाद बना रहा हूँ ना मैं आजकल, पता नहीं मुझे ऊपर से कुछ वरदान मिल गया है। तो ये देखो आपकी जो ग्रेवी है और कितनी गाढ़ी हो गई है, ये आपको कोई नहीं। लुक एट दिस अल्टीमेट ब्यूटी गाइस। अब टाइम आ गया है, आ गया नहीं वही बोलो टाइम। सो अब छोलों को इधर आप शामिल कर दें। हमने पानी फेंका नहीं है, पानी रखा हुआ है, क्योंकि इस पानी में खड़ी पत्ता, बड़ी इलायची, बहुत सारे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये दो तो निकालने भूल गए हम। ओहो हो, इनको निकाल दे, निकाल दे। वैसे जो ब्याहों शादियों में ये बिच्ची होते थे, लेकिन हम इसको निकाल देते हैं। आँख में धुआं चला गया है, सॉरी। और तो नहीं कुछ रह गया भाई। ये देखो क्या बात है हमारी, हमने इसमें H2O ऐड कर दिया था इंग्रेडिएंट्स वाला, और अगर हमें लगा कि हमारे छोले जो हैं वो सूखे सूखे हो गए हैं, हम इसमें फिर H2O डाल देंगे। सो आप इसको ढक कर और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। भाई बड़े अच्छे छोले बन गए हैं। अब ना अगर मेरे पास मदानी होती तो मैं इनको ऐसे फेंक देता, अभी मैं कल्ले कल्ले छोले पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। आपने ऐसे मदानी ले, आपके पास मदानी तो होगी ही, आपने मदानी लेके ना इनको थोड़ा थोड़ा फेंक लेना है, तभी बनेंगे ये अमृतसरी छोले, नहीं तो फिर नॉर्मल ही रह जाए, टूट जाए। वैसे तो टूटे हैं, पर ऐसे टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। आप वो जड़ी साग च नहीं फेरते होंगे, घुमाते होंगे जिन्हों वह फेरना। ओके जी सर, हमारे अमृतसरी छोले मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बन गए हैं, नो, अभी एक और स्पेशल आइटम मैं आज करने वाला हूँ। वैसे तो ये बन गए हैं, लेकिन इसमें अभी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो नहीं डला है। हाँ, आप एक बाउल में छोलास को निकाल लें और इधर थोड़ा सा अपना वर्जिन ऑयल डाल के इसको फिर से गर्म करें। गाइस मेन चीज अब होने जा रही है, हाँ ये ध्यान रखना, ये बड़ी जरूरी है, इसके बिना ये अभी पूरे नहीं हुए अमृतसरी छोले, मैं बता रहा हूँ। अभी ये इसको पूरा करेगा। जी हाँ, आपने इसमें लहसुन डाल देना है, और लहसुन को तब तक आपने पकाना है जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, उसके बाद और भी इसमें इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं। गाइस अभी ये जो चीज़ है ना, ये बनाएगी इसको। यस, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल देना है, इसको साथ में चला देना है। जीरा पाउडर ज़्यादा तो नहीं डाल दिया है मैंने, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा डाल दिया है, कोई बात नहीं, ये भी नया तजर्बा हो गया है। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे तेल ज़्यादा और जीरा घट डालना था, जीरा पाउडर मैंने थोड़ा जीरा पाउडर ज़्यादा डाल दिया है, तेल घट डाला है। हेल्दी के चक्कर में बंदा ऐसे हो जाता कभी कभी, पर आप टेंशन मत लें। नो, डोंट यू वरी अबाउट इट, डोंट यू वरी अबाउट इट। बस आप इसको एक मिनट, जीरे का तो महाराज जीरा ही बन गया है, हींग नहीं है ना उसके साथ, अकेला क्या करे बेचारा। पर गाइस आप टेंशन मत लें, मैं कुछ बना के खाता हूँ। यार ये तो काठा सा ही हो गया, मैंने सोचा था खिलर खिलर जाएगा, उसके लिए आपको ना
तेल ज्यादा डालना पड़ेगा गाइस, ये थोड़ा काठा सा हो गया है, बुरा लग रहा है। नहीं यार ठीक लग रहा है यार, अब इतने अच्छे छोले बनाए हैं मैंने, इसके चक्कर में आप ऐसे मत, मेरे को बुरा मत बोलना ओके। ये बहुत अच्छे छोले, स्वाद बहुत अच्छा होगा, मैं आपको खा के बताता हूँ। लुक एट दिस ब्यूटी, आई नीड माय स्पून, स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है, मैं आपको खा के भी बताऊंगा, पर स्मेल क्या ही बात लग रही है, देखने में भी क्या बात लग रहा है, बहुत अच्छे। ये तो भूल ही गया था, मैंने हमस भी बनाई है आज। लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट दिस ब्यूटीज, हमस छोले तो चावल। ओ मैं इस्तानबुल बैठा, मैं बम्बे थोड़ो बैठा, सिरा लगा दिया है मैंने आज फिर। आफ्टर ईटिंग छोला पिंडी आई फील स्लीपी, ये मेरे अच्छे फूड का नशा है या मेरी आंखों का? ये कुछ थोड़ी शायरी टाइप भी हो रही है, पर आई थिंक ये दसांझा वाले का फूड का नशा है। ऑल्दो मैं उठा 2 बजे दोपहरे, पर आई फील स्लीपी।